जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जो कि आप कभी नहीं भूल सकते जिंदगी में, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। दोस्तों, विश्व के प्रमुख घास के मैदान यहाँ पर आपको पढ़ना है, प्रमुख घास के मैदान आप पढ़ते होंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, पंपास घास का मैदान कहाँ है, आपसे नहीं बनते होंगे, लेकिन आज हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, आप कभी नहीं भूल सकते। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको महाद्वीप से परिचय करा देता हूं। अपनी जो पृथ्वी है इसमें सात महाद्वीप हैं, इसको सात महाद्वीपों में बांटा गया है। महाद्वीप देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहां पर दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ए क्या है आपका उत्तरी अमेरिका, ए आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ए आपका अफ्रीका, ठीक है, ए आपका यूरोप, ए क्या है एशिया, ए एशिया है आपका, ठीक है, और ए ऑस्ट्रेलिया, और ए जो दिख रहा है आपको अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये सात महाद्वीप हैं आपके, इन महाद्वीपों को आपने देख लिया कौन सा महाद्वीप कहां पर है। अभी महाद्वीप जब आपने देख लिए हैं तो आपको अब जो घास के मैदान है वो पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखते रहें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बेल्ट घास का मैदान कहां पर स्थित है, तो बेल्ट बताना है दोस्तों आपको, आपको दिए जाते हैं 2 सेकंड मात्र, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या दक्षिण अफ्रीका, आपने बिल्कुल सही बताया है, ये है दोस्तों बेल्ट। आप बोलते ना बेल्ट लेने जाना है, और अगर आपको फ्री में बेल्ट मिल जाए कहीं तो क्या करोगे आप, तो अफ्रीका चले जाओगे फ्री में लेने, है ना। तो क्या ले मिल रहा है यहां पर, फ्री में मिल रहा है बेल्ट, तो दक्षिण अफ्रीका फ्री का क्या मिल रहा है, बेल्ट मिल रहा है। तो ये बेल्ट कहां पर हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट आपसे, अब आपसे पूछे, मैं बार बार पूछूंगा बेल्ट घास का मैदान कहां है, बोले सर फ्री का, बेल्ट घास का मैदान कहां है, फ्री का, ठीक है। तो बेल्ट से होगा बेल्ट, और बेल्ट जो घास का मैदान है वो कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। अब आपको याद रख लेना, कभी नहीं भूलना, ये है दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि दक्षिण अफ्रीका कहां पर है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये दक्षिण अफ्रीका जहां पर आपको बेल्ट घास का मैदान है यहां पर, ठीक है, तो याद रखना है। अगला देखते हैं, पंपास घास का मैदान कहां पर स्थित है, पंपास, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, जल्दी से बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अगर आप जा रहे हो कहीं घूमने, अर्जेंटीना घूमने जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो आपके लिए दिशा के ज्ञान के लिए आपको कंपास होना जरूरी है, कंपास, पंपास से कंपास। अब जब भी नाम लगे पंपास तो आपको कंपास की याद आएगी। तो पंपास घास का मैदान कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना में, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो तो आपको अर्जेंट जरूरत है काय की, कंपास की, यह है दोस्तों कंपास, और ये कंपास की जरूरत है आपको अर्जेंट, है ना, अर्जेंटीना। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पर हो जाएगा, अर्जेंटीना में, हुआ ना याद, वेरी गुड। तो बने रहे, ये देखो दोस्तों आपको देखना है क्या, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये है आपकी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में आपको याद रख लेना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जो यहाँ पर देश है वो ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील, और ब्राजील से दूसरा नंबर जो आता है आपका वो आता है अर्जेंटीना का, ठीक है, तो ये चीज याद रखें। और यहीं पर आपका पंपास घास का मैदान है, कहाँ पर, अर्जेंटीना में, ठीक है, तो आपको याद हो रहा होगा ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है, कौन सा, पंपास घास का मैदान, ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, सबाना घास का मैदान कहां पर है, सबाना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिक लगाना है ट्रिक, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका। अब एक बात बताना, अगर आपको क्या मिल रहा था, बेल्ट मिल रहा था फ्री का, तो मैंने बोल दिया कि सब आना फ्री का बेल्ट लेने, सब आना फ्री का बेल्ट लेना, तो बेल्ट तो आपको मिल गए थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अब जो सवाना है, सब आना कहां पर, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका है, आना अफ्रीका, जाना अफ्रीका, सब आना अफ्रीका, आना अफ्रीका, जाना अफ्रीका, सब आना अफ्रीका, तो सवाना घास का मैदान कहां हो जाएगा, अफ्रीका में। अब याद ना हो तो फिर देख लेना दोस्तों, याद हो जाएगा, है ना, ये है दोस्तों अफ्रीका, है ना, और अफ्रीका में आपका कौन सा मैदान है, सवाना घास का मैदान है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हमने अभी पढ़ा था बेल्ट घास का मैदान, जहां पर आपको बेल्ट मिल रहे थे फ्री में, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, डाउन घास का मैदान कहां पर है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, डाउन घास का मैदान,
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन घास का मैदान। अब आप इसको ऐसे कैसे याद रखोगे, यहां पर देखो जरा मैप में, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपका उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे डाउन है। क्या है? सबसे नीचे डाउन, अलग से पड़ा है, डाउन है, डाउन। तो ये डाउन घास का मैदान भी कहां हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा ना, कि ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन हो गया, यहां पर डाउन है ना। आप बोलोगे सर ये डाउन क्यों है ऑस्ट्रेलिया में, बोले यहां डाउन घास का मैदान है यार, इसलिए ये डाउन है। तो डाउन घास का मैदान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब आपने देख लिया यहां पर मैप में, आप कभी नहीं, आपके मस्तिष्क में क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखें दोस्तों, पार्क लैंड घास का मैदान, पार्क से बनेगा पार्क। हमारे यहां क्या लगते हैं पार्क में? पैसे लगते हैं। अगर हम कहीं गाड़ी पार्किंग करने जाते हो, बोले ₹5 लगेंगे, बोलते ना ₹5 लगेंगे कर दो, तो पार्क लैंड घास का मैदान कहां पर हो जाएगा? अब चार ऑप्शन भी तो आपके पास हैं। फिर हमें यहां पर फ्री का मिल रहा है पार्क करने, हमारी जो गाड़ी है वो लैंड करने या पार्क करने, यहां पर क्या मिल रही, फ्री का मिल रहा है यहां पर, फ्री का क्या करने, पार्क करने। तो आपको याद रख लेना, पार्क लैंड घास का मैदान कहां पर होगा? अफ्रीका। हमारे यहां क्या करते हैं, अगर पार्किंग करने जाते हैं तो बोले ₹5 लगेंगे, वो तो बोले नहीं यार ₹2 लगे, नहीं वो ₹5 ही लगेंगे। तो पार्क लैंड कहां पर होगा घास का मैदान? फ्री का, है ना, फ्री का हो रहा है पार्क, आपका पार्किंग आपकी कैसी हो रही, फ्री की हो रही है। तो अफ्रीका, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपका पड़ा था बेल्ट भी आपको फ्री का मिल रहा था, और पार्क करने भी या पार्क घूमने भी आपको फ्री का मिल रहा है। ये दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ट, और जो है आपका कौन सा, ये पार्कलैंड है ना, पार्कलैंड घास का मैदान, ये भी कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। सब आना, अब सब आना यहां पर, क्योंकि यहां पर पार्क भी फ्री है, बेल्ट भी फ्री मिल रहा है, इसलिए सब आना भी अफ्रीका में है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, स्टेपी घास का मैदान कहां पर है? स्टेपी, 2 सेकंड में आपको जल्दी से बताना है, फिर मैं आपको ट्रिक, फन्नी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। स्टेपी घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों स्टेपी से क्या बनेगा, टैपी। हम टैपिंग करते हैं ना, कोई भी चीज को टेपिंग कर देती, ये है टेप। अब टेप से हम टेपिंग यानी कि जोड़ देते हैं, टेपिंग कर देते हैं। तो ये कहां पर होगा? ये है दोस्तों यूरेशिया। यूरेशिया से नहीं लग रहा आपको कि यूरोप और एशिया को आपने जोड़ के बोल दिया सर कि यूरेशिया है ना, तो ये यूरेशिया है। अब देखो इसको कैसे याद करना है दोस्तों, यहां पर देखो ये क्या है, एशिया, ये एशिया है और ये है यूरोप है ना। यहां पर उत्तरी जो यूरोप एशिया है, यहां पर आपका है कौन सा, ये घास का मैदान है आपका स्टेपी है ना। तो यहां से टेप कर दिया गया, क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया गया, टेपिंग कर दिया गया, स्टेपी टैपी कर दिया, इसको टेप से जोड़ दिया, इसलिए जो यू मतलब यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया है ना। तो यूरेशिया जो घास का मैदान है, जो आपका स्टेपी घास का मैदान है, वो कहां पर है, यूरेशिया में है। यूरेशिया याद रख लेना, कहां पर, यूरेशिया में है, क्योंकि इसे टैपी कर दिया गया और ये यूरोप और एशिया में आ गया, ठीक है। तो इसको याद कर लेना टेपिंग करके, ठीक है, आप भी चिपका लो इसको टेप से। कैंपास, कैंपास बताना है दोस्तों, अभी हमने पंपास पढ़ा था है ना, पंपास की हमें अर्जेंट जरूरत थी, पंपास की हमें अर्जेंट जरूरत थी, लेकिन ये क्या है, कैंपास, कैंपास है। आप लोग बोलते हैं ना टैम पास नहीं हो रहा यार, टैम पास नहीं हो रहा है। अब जिन लोगों का टैम पास नहीं होते वो क्या करते, कुछ खेल खेल लेते हैं, तो ऐसे ही ये जो ब्राजील के लोग हैं, ब्राजील के, इनका भी टैम पास नहीं होता, इनका भी क्या नहीं होता, टैम पास नहीं होता, तो ये क्या खेल लेते, फुटबॉल खेल लेते होंगे है ना। और आपने देखा होगा कि फुटबॉल के लिए जो श्रेष्ठ टीम है ब्राजील की है, ठीक है, और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। तो कैंपास घास का मैदान कहां पर होगा, ब्राजील में, क्योंकि टैंपास के लिए ब्राजील के लोग क्या कर लेते, फुटबॉल खेल लेते। यहां पर देखो ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ठीक है, क्या है, ब्राजीलिया। और यहां के लोगों का टैम पास नहीं होता, टैम पास नहीं होता, तो ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको याद रख लेना कैंपास, यहां पर कौन सा घास का मैदान है, कैंपास घास का मैदान है, ठीक है। और अर्जेंटीना में हमने कौन सा पढ़ा था, पंपास, अर्जेंटीना में पंपास, ठीक है, क्योंकि आपको कंपास की अर्जेंट जरूरत थी, और कैंपस जो है वो कहां पर है, ब्राजील में है। तो इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेरी घास का मैदान कहां पर स्थित है, प्रेरी। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको याद हो जाएंगे पूरे, प्रेरी आपको नहीं लग रहा,
कि जैसे प्रेयर की बात हो रही, अपन जब स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं प्रेयर करवा देते, प्रेयर करो पहले भगवान से, प्रेयर कर रहे हैं। ऐसे ये प्रेरी घास का मैदान भी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, और उत्तरी अमेरिका की जो लड़कियाँ होती हैं वो भगवान से क्या करती हैं, प्रेयर करती हैं, भगवान मेरा भी उत्तर दे देना। क्या करती हैं उत्तरी अमेरिका की लड़कियां, बाहर भगवान से करती हैं प्रेरी, मेरा भी उत्तर दे देना, मेरी भी सुन लेना, है ना। तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, और यहां पर कौन सा है, प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका की लड़कियां क्या करती हैं, प्रेयर करती हैं, प्रेयर, भगवान मेरी भी सुन लेना, प्रेरी, ठीक है। तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका। अगला देख लो दोस्तों, लानोस घास का मैदान कहां पर है, लानोस। दो सेकंड दिए जाते हैं आपको, पूरा याद हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोलंबिया वेनेजुएला। कहां पर है, कोलंबिया। अब यहां से आपको नहीं लग रहा कि लानोस, नोज, नोज मतलब नाक, है ना, नोज, नोज, और लंबिया क्या होनी चाहिए, ये देखो कितनी लंबी क्या है, नोज, कोलंबिया, लंबिया नोज, ये आप क्या बोलेंगे, लंबी है नोज, लंबी है नोज, तो लानोज क्या है, लंबी है, तो कोलंबिया वेनेजुएला। ये लानोज घास का मैदान कहां पर है, कोलंबिया वेनेजुएला में। यहां पर देखो दोस्तों, कोलंबिया और वेनेजुएला ये कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में। ये यहां पर है कोलंबिया, जिसकी राजधानी क्या है, बोगाटा, क्या है, बोगाटा, है ना, और यहां पर है वेनेजुएला, ठीक है, और यहां पर है गुआना, ये चीज याद रखनी, ये कोलंबिया है आपका, है ना, और ये वेनेजुएला, और यहां पर गुआना है। तो ये जो आपका लानोस घास का मैदान है ये कोलंबिया वेनेजुएला में है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों जल्दी से बता दें कमेंट में कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए, जल्दी से फटाक से बताना, इसी प्रकार की नई नई ट्रिक आपको लेकर के आएंगे और आपको याद करवाएंगे, है ना। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर आज तो पूरा याद हो गया है, ट्रिक कैसी लगी, जल्दी से बताएं फटाफट से, जितने भी साथी देख रहे हैं पूरे लाइक करना, और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सर्च कर लेना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, इंस्टाग्राम में सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, और जुड़ के जो है हमें भी बता देना कि सर मैं जुड़ गया हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। जय हिंद।